तो अब हम लोग पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जब भी हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 8 तक बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं सोडियम का 1 होता है, मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, इसी तरह से बढ़ता है। और इसमें 3 शेल्स हैं, इसका मतलब ये 3rd पीरियड के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। और जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी पीरियड में तो वैलेंसी पहले 1 to 4 तक इंक्रीज़ होती है, उसके बाद 0 तक डिक्रीज़ होती है। जैसे कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फॉस्फोरस की 3 हो जाती है, उसके बाद ये कम होती चली जाती है। और आर्गन क्योंकि इनर्ट गैसेस है, इसके इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए इसका 0 होती है वैलेंसी। उसके बाद एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को हम एटॉमिक रेडियस के नाम से भी जानते हैं, जो कि न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल में जितनी भी डिस्टेंस होती है उसे हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। और जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में तो एटॉमिक साइज कम होती है, क्योंकि जब एटॉमिक साइज कम होती है। जब हम किसी भी पीरियड में जाते हैं तो उसकी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, उसकी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक नंबर पीरियड्स में इंक्रीज होता है, जिस वजह से उसके न्यूट्रॉन में प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से उनका साइज छोटा होता जाता है। साइज छोटे होने की वजह से एटॉमिक रेडियाई भी छोटी होती जाती है। और अब जब हम पीरियड में जाते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर एलिमेंट्स का कम होता जाता है, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिसे वो इजिली लूज कर सकता है, जबकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे लूज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिसकी वजह से उसका मेटलिक कैरेक्टर मेटलिक कैरेक्टर कम होता जाता है। और अब हम केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं। जब ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिसे वो इजिली लूज कर सकता है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है अपना ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए, तो वो इजिली गेन करता है, जिसकी वजह से सोडियम और क्लोरीन हाईली रिएक्टिव होते हैं, जबकि ये सारे एलिमेंट्स कम रिएक्टिव होते हैं। और नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेज एंड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर कम होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे मेटलिक कैरेक्टर कम होता है उसी तरह से बेसिक नेचर ऑक्साइड्स का कम होता जाता है, और नॉन मेटलिक कैरेक्टर जब बढ़ता है तो एसिडिक नेचर ऑक्साइड्स का बढ़ता है। तो हम लोग ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑल द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब भी हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है, और इनके आउटर मोस्ट शेल के ये इलेक्ट्रॉन सेम ही हैं। उसी तरह से वैलेंसी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। जब भी हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो वैलेंसी भी सेम रहती है। एग्जाम्पल के लिए 1 इन सबकी वैलेंसी है जो कि सेम है। उसके बाद अब एटॉमिक साइज। ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जब भी हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो उनकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से उनके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। इसीलिए ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है जब हम नीचे जाते हैं। तो हम मेटलिक कैरेक्टर देखने जा रहे हैं। ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस। तो जब हम किसी ग्रुप में नीचे जाते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजिली लूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो
नीचे जाने पे ज्यादा मेटलिक होते हैं। उसी तरह से जब हम ग्रुप में ऊपर जाते हैं तो उनका नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। और अब केमिकल रिएक्टिविटी, ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस। जब हम किसी ग्रुप में जाते हैं नीचे तो केमिकल रिएक्टिविटी एलिमेंट्स की इंक्रीज होती है, क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी भी मेटलिक कैरेक्टर पे ही डिपेंड होती है। इसलिए जब हम नीचे जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप देर इज़ नो चेंज इन नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में कोई भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर सेम रहता है। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल।